अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके? आपका संडे को एमपीटी का टेस्ट होने जा रहा है, कोई 60,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अप्लाई किया है और हम उस पर अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें डूज एंड डोंट्स क्या, आपको पेपर के दौरान क्या करना है और क्या एमपीटी में अपीयर होने से आपके चांसेस वगैरह काउंट होंगे कि नहीं होंगे। हमारे साथ सर गुलाम सर मौजूद हैं, सर वेलकम। थैंक यू सर। अच्छा, उस पर डिस्कस करने से पहले आपको जनाब हम थोड़ा सा बता दें कि CSS 2023 की जो बैच 7 है हमारा, फुल कोर्स जो फुल पैक है, वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। उसके बाद फर्स्ट वीक हम उसकी ओरिएंटेशन क्लासेस रन कर रहे होंगे जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रीली, हमारी डेमो क्लासेस ले सकते हैं और द बेस्ट टीम ऑफ पाकिस्तान, मैं खुद जनरल साइंस एबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, सर गुलाम हुसैन प्रेसी कंप्रीशन पढ़ा रहे होंगे, सर मानो रघुंदल ऐसे पढ़ा रहे होंगे, सर हाफिज अशर चदर साहब इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ा रहे होंगे, वकास इकबाल साहब हो गए, फिर इसी तरह वासिफ लतीफ़ साहब हो गए, ठीक है। द बेस्ट फैकल्टी ऑफ पाकिस्तान विल बी विद अस। तो आप अगर CSS की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको हमारे लिंक्स में दिया हुआ है कमेंट्स में, उसको ज्वाइन करें या हमारे कोऑर्डिनेटर से भी आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे जिनको पता नहीं है वो ये पूछते हैं कि जी क्या MPT के पेपर में आप अपीयर अगर हो जाते हैं तो CSS का चांस काउंट होगा? नहीं सर, इसमें चांस काउंट नहीं होगा। ठीक है। और MPT में आप बैठे या ना बैठे, बैठेंगे पास होंगे तो आगे अगर आप मेन एग्जाम में, भले आप पहले पेपर में बैठ के फिर आप नहीं देते अगले पेपर, तो चांस काउंट हो जाएगा। नहीं, उस पे ना जाएं हम अभी, हाँ, MPT पर नहीं, चांस ही काउंट होगा। आप अगर आप फेल हो गए, तब भी चांस काउंट नहीं होगा। मतलब आप चाहे MPT में पास हो जाए चाहे फेल हो जाए, तो चाहे पेपर में अटेंडेंस लगा के आ जाए ना लगा के आ जाए, या पेपर MPT का देने जाए ना जाए, MPT का CSS के चांस से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है, दिस इज अ टोटली सेपरेट इसकी। और सर MPT के चांसेस कितने हैं? कोई नहीं है, कोई नहीं, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड चांसेस है। आप MPT जितने मर्जी दे, इसका CSS के चांसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे सवाल का जवाब भी आपको दे दिया जो लोग पूछते हैं। और कोई इसके अलावा MPT के चांसेस के मतलब आपका क्वेश्चन है तो वो हमसे आप पूछ सकते हैं। बात सिंपल सी है कि MPT के चांसेस का कोई ताल्लुक CSS के चांसेस नहीं है। CSS में अगर आपने अटेंडेंस भी लगा दी अंदर जाके और भले पेपर नहीं दिया तो आपका चांस काउंट हो जाएगा, चाहे भले आप एक पेपर में क्यों ना बैठे। जब मेन एग्जाम की आप बात कर रहा हूं मैं, रिटर्न की, उसके चांसेस काउंट होते हैं। हाँ, अप्लाई करने का चांस नहीं होता उसमें कि आपने अप्लाई किया और पेपर में नहीं गए तो फिर चांस नहीं होता काउंट। अच्छा सर, अब आ जाएं कि जो MPT है क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है? नहीं सर, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पासिंग रेशियो भी बहुत थोड़ी है। अब जब नेगेटिव मार्किंग ना हो तो 200 के नंबर के एग्जाम में आप बच्चों को क्या रिकमेंड करेंगे? सारे अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चन आपने क्या करने अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। पहले तो वो अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, जो नहीं आते वो छोड़ते जाना है, टाइम जाया नहीं करना, ताकि आप 200 तक एग्जैक्टली नीचे पहुंचे। क्योंकि हो सकता है एंड पे कुछ आसान सवाल हो जो आपको आते हो, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो डूज एंड डोंट्स ऑफ MPT एंड तक जाएं, फिर बाद में जो आपको नहीं आते थे फिर उसको ABC जो भी आप जिस तरह से करने, चाहे सारे सी लगाएं चाहे सारे डी लगाएं। मेरा मशवरा यही होता है कि फिर आपने जो नहीं किए तो ये देख लें, चाहे फिर सारे बी लगा दें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में 25% तो आपके ठीक हो ही जाएंगे। ऐसे मतलब 100 को भी सारा आप लगाते हैं तो बी भी लगा दें तो आई बिलीव के 25 अपना कंट्रोल रखना है, ठीक है, साथ में लिक्विड इनटेक या कोई मीठी चीज कुछ खा के जाना, ताकि आपका नाश्ता करके जाना है। बहुत सारे बच्चे नाश्ता नहीं करके, एक्सपेरिमेंटल नाश्ता नहीं करना भाई मेहरबानी, मतलब उस दिन पहले कभी पराठे खाए नहीं तो उस दिन पराठे खा के चले जाओ, मतलब जो फिर सोए में हो, फिर सोए में, तो मतलब अगर आप नाश्ता रूटीन में नहीं करते तो हल्का सा नाश्ता करके जाएं, फिर अंडा ब्रेड करके चले जाएं, चॉकलेट साथ ले जाएं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो दूर से ट्रेवल कर रहे थे उनके पास टाइम नहीं होता तो रास्ते में चाय एक बिस्किट ले लें, इस तरह के हल्का फुल्का लेके जाएं और साथ में एक चॉकलेट रख लें या कोई जूस की बोतल रख लें या पानी की बोतल तो लाजमी रखें, बिल्कुल, और पैनिक ना हो बिल्कुल भी, बिल्कुल एक जनरल रीडिंग दे पेपर को, अंडरस्टैंड करें पहले 10-20 MCQs देखने के बाद पेपर का जो इंटेंसिटी लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, वो आपको समझ में आ जाता है। बल्कि उसमें सर मैं एक मशवरा ये दूंगा कि आपकी जिस एरिया पे कमांड है चुप सिंपली उस सेक्शन से शुरू करें। पहले मैं अगर साइंस का मेरा बैकग्राउंड है, मैं चुप करके साइंस शुरू करूं, मैं इंग्लिश वाला करूंगा, आप इंग्लिश वाला करेंगे, ताकि आपको एक थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स हो जाए, आप उन चीजों से आपका थोड़ा
कुछ बच्चे इस्लामियत में बहुत अच्छे होते हैं, उर्दू में बहुत अच्छे होते हैं, जनरल साइंस में अच्छे होते हैं, बिल्कुल, तो वो अपना रेलेवेंट पोर्शन पहले उठा ले, पहले उठा ले, ईज भी फील करेंगे, रिलैक्स भी हो जाएंगे, वो पैनिक भी नहीं होंगे, पैनिक भी नहीं होंगे, ठीक है। और अगर ये चीज कारगर साबित हो तो हमारे लिए दुआ लाजमी करनी है आप लोगों ने, ठीक है। हम आपके लिए ढेर सारी दुआएं कर रहे हैं, बेस्ट विशेस, बेस्ट विशेस आपके लिए जनाब, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।